बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उमेर हानी का फादर हैदराबाद से, और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि आप तमाम लोगों की दुआएं रंग लेकर आई। और आज जो है हाई कोर्ट में मेरी हायर थी, जो मेरी लॉयर ने पिटीशन दायर की थी, तो उसके हवाले से मेरी लॉयर जो इंशाल्लाह वो बताएंगे आपको कि आज क्या और हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, उमे हानी के फादर की तरफ से आज हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। चूँकि जैसे कि आपको पता है, उमे हानी का जो मैं समझती हूँ सो कॉल्ड फोर्स्ड निकाह कहेंगे, और कानून के मुताबिक ये निकाह एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बच्ची ने जो बयान दिया था हाई कोर्ट कराची में, और उसके बाद से बच्ची लापता है अभी तक फादर की, या किसी से भी उसकी ना तो मीटिंग हुई है ना वो मिली है। तो मेरी ये ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट थी, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट की, कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। वो माइनर है, और आईने पाकिस्तान बच्चों के हकूक़ की पासदारी करता है, तहफ़ करता है, उसके मुताबिक बच्ची के जो हकूक़ हैं वो उसको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। और दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्ची का मेडिकल भी नहीं हुआ। जब बच्ची का बयान हुआ था उसमें किसी किस्म की कोई भी जो लीगल चीज़ें थी, आईओ इन्वेस्टिगेशन था, उसने जो भी चीज़ें पेश की उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी बच्ची की एज के हवाले से। लिहाजा इसमें मौजूदा अदालत से मेरी गुजारिश है कि बच्ची का मेडिकल भी करवाया जाए। बच्ची की माइनर एज है, अंडर एज है, ये शादी के ज़मरे में नहीं आता है। लिहाजा बच्ची की काउंसलिंग हो, और बच्ची को या तो इदारे में दिया जाए या फिर बाप के हवाले किया जाए, जिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर की है और तमाम पार्टीज को नोटिस इशू कर दिए हैं। और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग हमारी हाई कोर्ट में 17 है, जिस पे उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। थैंक यू।